सिंगरौली में कोरोना वायरस को लेकर पुलिस अधीक्षक ने ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को सुरक्षित रहने की सलाह दी और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश भी दिए। सिंगरौली में पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने कोतवाली परिसर में ग्राम रक्षा समितियों की बैठक ली और सावधानी बरतने एवं सुरक्षित रहने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ग्राम रक्षा समिति की जिम्मेदारी है कि वे बाहर से आने वाले लोगों की जानकारी सुनिश्चित करें और थाना प्रभारियों को इसके बारे में सूचित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहर से आने वाले लोग क्वारंटीन हो गए और इन सभी नियमों का पालन करें। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो तत्काल थाना प्रभारियों को सूचित करें। इसके साथ ही सभी थाना प्रभारी ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस को लेकर अपने सुझाव देंगे और ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों के भी सुझाव लेंगे। इस दौरान ग्राम सुरक्षा सदस्यों ने अपनी व्यवहारिक तकलीफें भी बताएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।